72 साल के बुजुर्ग को यहाँ से हटाया जा रहा है। कोई टाइम नहीं दिया, एकदम से तोड़ दिया। लाखों रुपए लोगों इकट्ठे कर करके लोगों ने दिए, वकीलों ने अपना पेट भर लिया। औरतों को मारा है क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बस इसीलिए। उठाओ बम गेर दो रात को सोते के ऊपर, बस छुटकारा हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के खैबर पास में, और आपको बता दें कि कल ही केंद्र सरकार की एक एजेंसी के द्वारा यहां पर एक नोटिस जारी किया गया था और कहा गया था कि कल तक यहां से खाली करके चले जाओ, नहीं तो अगले दिन से बुलडोज़र कार्रवाई की जाएगी। तब यहाँ पर लोग आनंद फानंद में आ जाते हैं और यहाँ से खाली करने लग जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 90% से ज़्यादा लोगों ने यहाँ से खाली करके जा चुके हैं, और अब कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और कहा है कि 9 अगस्त तक बुलडोज़र कार्रवाई पर स्टे लगाते हैं। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो कोर्ट के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये घर ओलंपिक विजेता मनु भाकर के कोच समरेश जंग का है, और उनका घर भी टूटने वाला है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर काफ़ी परेशान दिखे। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर उनका आलीशान घर है और ये कुछ दिनों बाद ही टूटने वाला है, और किस तरह से यहाँ पर सामान को पैक किया जा रहा है और घर को खाली किया जा रहा है। आप एक बार तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर बहुत सारे मजदूर लगे हुए हैं घर को खाली करने में। आइए मनु भाकर के कोच समरेश जंग से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं। आप सरकार की इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? जी, पहले तो मैं बोलूं कि मैं सिर्फ मनु भाकर का कोच नहीं, मैं इंडियन टीम का कोच हूं जी। और मनु भाकर एक पार्ट है इंडियन टीम का, सो मैं पूरी टीम को देखता हूँ। दूसरा जो आपने पूछा कि ये है कार्रवाई को, डिसअपॉइंटिंग है कि आप अगर इसको विकेट कराना चाहते थे तो आप एक आदमी को सफिशिएंट टाइम दे के जिससे आराम से पैक करके शिफ्ट कर सके, पर वो टाइम नहीं दिया। बस ये है कि आपको एक दिन के अंदर खाली करना है और आपको रैप करके जाना है। तो आज सुबहरे कार्रवाई होनी थी, हुई नहीं है, थैंकफुली नहीं हुई है, क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगा दिया अभी 9 तारीख के लिए, फिलहाल के लिए। एक्चुअली मुझे पता नहीं, क्योंकि जब तक मैं जिस जहाँ पर हम लोग गए थे तो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, तो उन्होंने देखने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि आप इसको मतलब मंडे को देखेंगे। आपको जानकारी कैसे मिली थी कि यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई होने वाली है? ये अनाउंसमेंट किया था, पब्लिक अनाउंसमेंट, दो दिन पहले शाम को 6 बजे आके अनाउंसमेंट करके चले गए थे कि ये होगी, आप अपना हिसाब। उस समय आप कहाँ थे? मैं यहीं था। आप यहीं थे? हाँ, मैं उसी दिन पहुँचा था, मतलब एक घंटे ही पहले घर पहुँचा था जी। और उस वजह उस और एक घंटे पहुंचने के बाद इमीडिएटली पता चला कि उसी टाइम आपको पता चला कि यहाँ पर बुलडोज़र चलेगी। उसी टाइम अनाउंसमेंट करके गए कि आपके पास एक दिन है, सारी कॉलोनी में लोकेलिटी में, कि एक दिन है, आप इस एक दिन में अपने आप को विकेट कर दीजिए और उसके बाद अगले दिन कार्रवाई होगी। यहाँ पर आप कब से रह रहे थे? मैं तो पैदा ही यहाँ पे हूँ, मेरी फैमिली, मेरी दादी बिफोर पार्टीशन यहाँ पे इस घर में रह रही हैं, और मेरे बच्चे आर लाइक 4th जनरेशन इसी घर में जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है श्याम मोहन। सर कोर्ट ने बुलडोज मैं सीनियर सिटीजन हूँ, और यहाँ जो ये मकान तोड़े जा रहे हैं अननेसेसरी, नाजायज़, हम लोग यहाँ पे हमारी 4 पीढ़ियाँ निकल गई रहते रहते, बुजुर्ग हमारे चले गए। हमारी माताजी स्वतंत्रता सेनानी थी, वो 2008 में 86 साल की होके गुजर गई। हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था उससे पहले के हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ये परिवार, और बहुत से परिवार बाहर से आके 47 के बाद यहाँ रुक गए थे, और वो लगातार जब से हमारे साथ ही रह रहे हैं। हमारा प्रेम भाव सब कुछ आपस में यही है, परिवार के रूप में रह रहे थे, मगर अचानक ही शुक्रवार के आए LNDO के अधिकारी, और साथ में उनकी पुलिस थी, हाथ में माइक थे, और उन लोगों ने आते के साथ में बस अनाउंस करा कि ये फटाफट खाली कर दो, सवेरे तक 6 बजे बुलडोज़र चढ़ जाएगा, सोते के सोते रह जाएगा, तुम्हारे ऊपर बुलडोज़र चढ़ जाएगा। इस अनाउंसमेंट के बाद आप लोगों ने क्या किया था? हमने रात से ही ये सामान निकालना शुरू कर दिया, सारी रात हम सोए नहीं और इधर उधर भटकते रहे। कोई किराए का मकान मिल के राजी नहीं, जहाँ मिल के राजी नहीं वहाँ हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम किराया दे सकें।
आप लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन भी किया था क्या? सड़क पर प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन पे इन्होंने लाठी चार्ज की पुलिस ने, जिसके ऊपर हमारे इलाके की बहुत सी महिलाओं को बंद कर दिया ले आके और लड़कियों को बंद कर दिया, जवान बच्चियों को बंद कर दिया जो बोल रही थी तेज तेज, उनको ले आकर सिविल लाइन पता नहीं कहाँ ले गए, गाड़ी लारी में ले गए, हमें इस चीज़ का नहीं पता। और उसके बावजूद में अगले दिन सब सारे के सारे घबरा गए, फिर इन्होंने आ गए यहाँ ब्रैकेट लगा के, पुलिस वालों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब हम आज आए हैं, सवेरे तक सारा खाली हो जाना चाहिए। आप इस हालत इलाके की हालत देख रहे हैं कि सब उसी जोड़ तोड़ में लग गए। मैं अब कहूँ जाऊँ, चार चार पीढ़ियाँ यहाँ बच्चों की रह रही हैं हमारी, कहाँ लेके जाएँ उन बच्चों को, कहाँ लेके जाएँ बहुओं को, कहाँ लेके जाएँ परिवार को, ना किराए के पैसे हैं, जबकि हम LNDO को पैसा दे रहे थे, LNDO ने हमसे पैसा लिया है। पैसा किस बात के ले रहे थे? LNDO हमारे से ये जब शुरू से ही ना किराए की रसीद थी, तो किराए के पैसे लेते थे 48 रुपये साल के, LNDO जमा करती थी। 1997 के लगभग इन्होंने वो पैसा लेना बंद कर दिया, इन्होंने कहा जी हम किस अकाउंट में ये पैसा डाले हमें पता ही नहीं लग रहा, इसलिए अब ये मकान तुम्हारे हो गए हैं। तो फिर लोगों ने कहा भाई चलो हमारे हो गए ठीक है, प्रेम से रह रहे हैं, बोर्ड हम देते हैं, पानी का बिल हम देते हैं, बिजली का बिल हम देते हैं, और जहाँ ना कोई नेता आया ना कोई कुछ आया, और हम लोगों को बेघर कर दिया। अब हम सड़क पर बैठे हुए हैं परसों रात से यहीं भूखे प्यासे, कहीं से किसी से कोई बेचारा दे जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो क्या करें, कहाँ जाएं इन बच्चों को लेकर। सरकार ने किसी तरह का कागज आपको आपके लिए जारी किया था क्या? कोई कागज नहीं जारी, कोई जारी नहीं किया। वो पीछे जो है वो दोविलन बोलते हैं डिफेंस की जगह है, वहाँ के लिए इन्होंने बोर्ड लगाया था और बैनर लगाया था, वो तोड़ गए थे। और जमीन के कागजात वगैरह आपको दिया गया था, रजिस्ट्री की गई थी क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, कोई जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई और कोई इन्होंने हमें कागजात नहीं दिया। हम तो ये अनुरोध कर रहे हैं कि हमें इसके जगह कहीं रहने के लिए छोटे छोटे चाहे प्लाट दे दें, जिससे कि हम आगे का जो थोड़ा जीवन बचा हुआ है वो अपने परिवार के साथ बिता सकें। और कोई भी परिवार ऐसा नहीं है यहाँ जो जिसकी की चार पीढ़ियाँ ना बीत गई हों, आप ये लगा लीजिए। अब मैं हूँ, मैं 68 साल का होने वाला हूँ, मेरे पोते पोतियाँ नाते नातियाँ वो सब हैं। सरकार कहती है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो क्या आपको मिला? सरकार कहती है जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, उसके ऊपर इस कॉलोनी के लिए एक ईंट भी नहीं है और एक इंच जगह भी नहीं है। वो सामने झुग्गियाँ होती थी कभी, दुर्गापुरी, दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर, उनको तो 25-25 गज के, जागीरपुरी और आपके खिचड़ीपुर और होलम्बी कहाँ का, उनको 4-4 दफ़ा प्लाट दे दिए, और जो लोग सुरक्षित रह रहे थे उनको धक्का मार के बाहर कर दिया, और एक गज जमीन भी देने को तैयार नहीं है सरकार, ना कोई आश्वासन दे रही है और ना कोई जमीन देने को कह रही है। वो कह रही है चले जाओ जहाँ से, जहाँ मर्जी जाओ, अपने को फांसी दे लो चाहे। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर रहने वाले बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, रोहिंग्या, एक भी नहीं, एक भी यहाँ इस इलाके के अंदर कोई भी बांग्लादेश से आया हुआ आदमी नहीं है, कोई भी पाकिस्तान से आया हुआ आदमी नहीं है। आपका कौन सा घर है? ये घर है, ये टूटा हुआ है। अच्छा। ये ऊपर तक पूरा ये सारा ये का सारा जो है वो हाँ। ये देखिए ये क्या चीज़ है? ये मेरा बस का पास है ये, और ये उम्र देख लो कितनी है मेरी, 74 साल के बुजुर्ग को यहाँ से हटाया जा रहा है, समझे? ये हालत हो रही है हमारे साथ में, हम कहाँ जाएं? और बल्कि में हमें कुछ भी मुआवजा नहीं मिला सरकार की तरफ से, नहीं ना मिला जो हमारे पुराने खेल से में हमें रिटायर कर दिया, क्या 3 लाख 2 लाख 3 लाख मिले, वो हमारे लड़के के एक्सीडेंट में लग गया सारा, हम बिल्कुल नंगे होकर बैठे, लोगों से भीख मांग मांग के रोटी खा रहे हैं हम, ये हालत है हमारी, हकीकत मानना आप। और जिसमें कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं फलानी जगह खाली कर दो इसको, पुलिस आ रही है माइक लेकर, खाली कर दो इसको फटाफट से, कोई आदमी यहाँ नहीं रहेगा। आप लोगों ने कोर्ट में जाने से पहले ही खाली कर दिया क्या? कोर्ट में नौबत ही नहीं आई कोर्ट की, तो कोर्ट की कोई नौबत नहीं आई हमारे साथ में। ऐसा क्यों? परसों में उन्होंने कहा है और कल से तोड़ना शुरू कर दिया। मैं अभी मल्लू टीले से आया हूँ, मल्लू टीले से आया तो यहाँ पर भीड़ हो रही, मैंने भाई ये भीड़ काय की है कि पुलिस वाले आए और कुछ इंस्पेक्टर आए, LNDO के कौन है क्या नहीं हमें तो पता नहीं, उन्होंने ये कहा कि नहीं अलासमेंट करके दुकानों की तरफ चले गए, कहने गए ये जगह खाली कर दो, कल बुलडोजर लग जाएगा यहाँ पर, बुलडोजर के डर से हम लोगों ने खाली, फिर वहाँ पर पड़ हमने हल्ला गुल्ला मचाया, तो कल तो नहीं कुछ होया हमारे साथ में, और हमें डर अब सारा ही हो गया, क्यों हमने तो सारा सामान तोड़ दिया, हमारे पे तो कुछ है ही नहीं, अब हमारे पास इतने भी नहीं कि दर्जा लगवा लें, दर्जे लाख भी पैसे नहीं है हमारे पास, हमारी वो हालत हुई भी है।
तो आप लोगों ने यहाँ से घर खाली कर दिया है, तो आप लोगों ने कहाँ शिफ्ट किया है? अभी शिफ्ट नहीं किया है, पता नहीं कहाँ सामान फेंका हुआ हमने। आगे देखिए, घर पे सामान रखवाया है, जानने वालों के घरों में सामान रखवा के तिरपाल ढक दी है कि कुछ होगा तो कभी कुछ मिल जाएगा, या कहीं किराए की नौबत आएगी, किराए के पैसे होंगे तो देंगे ना। 33,000 रुपये किराया मांग रहे हैं लोग, 25,000 रुपये किराया मांग रहे हैं, कहाँ से आएंगे 25,000 और एडवांस 2-2 लाख रुपये मांग रहे हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े ट्रक को यहाँ पर मंगवाया था अपने सामान ले जाने के लिए, तो इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ लगा लिया हमने, दिया हमने 2500 नजायज लिए हैं ट्रक वालों ने, 2500-2500 रुपए जहाँ से तिमारपुर तक के लिए हैं, खैबर वहाँ से तिमारपुर का आधा किलोमीटर का भी रास्ता नहीं है, 2500 रुपए और जो बेचारे थोड़ी और आगे गए 4-4, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये किराया लिया है और नजायज लिए हैं उन्होंने, क्या करें लोग। किसी रिश्तेदार ने कह दिया मेरे घर के नीचे गैरेज खाली है वहाँ रख दे सामान, तो वहाँ ले गए। किसी ने कहा मेरी बिटिया ने कहा कि तुम जहाँ आके रख दो, तो वहाँ ले गए सामान। क्या ऐसे ही कराया सबने, किसी का अपना निजी कहीं भी अच्छा, नहीं। कोर्ट ने फिलहाल 9 अगस्त तक रोक लगाई है बुलडोजर कार्रवाई पर, तो इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं, हमारे तो गले काट ही दिए हैं। 9 के आज तो 15 तक भी जाएंगे, जब तक मोदी जी का भाषण नहीं होगा इनको फोर्स नहीं मिलेगी, ये खाली नहीं करवाए, खाली क्या खाली कर रहे हैं, तोड़ तो दिए ही हैं, तो 15 तारीख हो गई, उसके बाद में फांसी की सजा वही की वही है, तो इसलिए क्या करें। 9 का दे भी दिया तो कोई आसान नहीं किया इन्होंने, 9 का दिया है तो लाखों रुपये वकील खा गए, लाखों रुपए लोग इकट्ठे कर करके लोगों ने दिए, वकीलों ने अपना पेट भर लिया है। 9 तारीख का आप बता रहे हो कि नोटिस दे दिया, तो 9 तक क्या होगा? जब हम सड़क पे आ ही गए हैं तो 9 तारीख में क्या देर रह गई, 7 दिन बाद फिर सड़क पे, तो क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं है। ये तो 15 तक भी नहीं तोड़ेंगे, कोई मोदी जी का भाषण नहीं होगा तो टूटेगा ही नहीं जब तक, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, हमें तो सड़क पे ला ही दिया ना, हमें तो मौत के घाट पहुंचा ही दिया। सीधा यही हिसाब हो सकता है, उठाओ बम गेर दो, रात को सोते हो के ऊपर, बस छुटकारा हो जाए पूरा समझे। और ये रफू जी कह रहे हो कि आप ये पाकिस्तानी आए या फलाना है, जहाँ पाकिस्तानी आए थे वहाँ झुग्गियाँ थी, वहाँ उनको प्लॉट दे दिए, उनको ठिकाना बना दिया, और जहाँ प्लॉट थे वहाँ उनको बना दिया झुग्गी झोपड़ी, इन्होंने ये काम करा है। देखो जाके पीछे आके देखो सरकार, देखोगे ईंटे थे क्या, कहीं ये झुग्गी झोपड़ी की ईंटे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नैना गुजराल है। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 19 ईयर्स। तो आप इस बुलडोजर कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई करने की बात हो रही है सर, यहाँ पे मतलब अचानक से ऐसे हो गया, कोई वो नहीं था, कोई नोटिस नहीं दिया वहाँ पे। 8 तारीख को वहाँ का मतलब 1 मार्च को वहाँ पे नोटिस लगा था, 1 मार्च को पता नहीं 8 मार्च को ये लोग आए परसों, और इन लोगों ने पूरा घूमा और ये बोला कि जी हम परसों आकर तोड़ देंगे। जब लेडीज़ लोग, इन्होंने जेंट्स लोग को एक साइड पे करके पुलिस वाली फ़ोर्स बुला ली, इनके पास लेडीज़ फ़ोर्स नहीं थी, तो जब लेडीज़ बैठ गईं अचानक से एक वकील आता है, और वो जैसी वकील आता है उसके साथ काफ़ी सारी लेडीज़ पुलिस आती है, औरतों को मारा है और उनको बिना किसी ना औरतों ने ना कुछ नहीं करा था। अगर आप पुलिस के ऊपर कोई एक्शन लेते हो तो पुलिस का बनता है कि हाँ भाई आप बोलो, आप क्यों मारा उन्होंने उन्हें? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बस, इसीलिए कोई रीज़न नहीं था। एक लेडी गिर गई थी, वो इतनी एजेड लेडी थी, उनके डंडा मारा और वो लेडी गिर गई, कोई पुलिस वाला नहीं आया उसको उठाने के लिए। और उसके बाद जब मैं एक्चुअली लाइव थी, मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, मैं लाइव थी उस टाइम पे, तो मेरे को वो पुलिस वाला कहता है कि बेटा आप भी चले जाओ वरना आपको भी जेल मतलब आपको भी गाड़ी के अंदर कर देंगे। ये कोई लॉजिक होता है? ये आपका घर था क्या? ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरे दादा और उनके भी पापा, और उनके भी पापा यहाँ ही पे रह रहे थे, और ये लोग कह रहे हैं कि ये अनऑथराइज्ड है, इसके कोई वो नहीं, और जबकि हम लोग यहाँ पे इसका हाउस टैक्स भर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हाउस टैक्स कोई नहीं है, हाउस टैक्स रद्दी है, और आप ये टूटेगा भी। तो आप लोगों ने अभी कहाँ शिफ्ट किया है? हम लोगों ने अभी मेरी बुआ के घर पे शिफ्ट करा है, और अभी वहाँ पे भी ऐसे ही रखा हुआ है, कोई मतलब अभी कोई ना रेंट पे मिल रहा है, और अगर रेंट पे मिल भी रहा है सिर्फ 1 BHK 10,000 रुपये का मिल रहा है। आप बताओ, मेरे फादर की सैलरी ही 10,000। और आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम 5 लोग हैं, मेरे दो बहन भाई हैं, एक बड़ी सिस्टर है और एक छोटा भाई है। मेरे मम्मी पापा जॉब करते हैं, मेरी मम्मी की सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, दोनों प्राइवेट जॉब करते हैं। अब कैसे होगा, मैं और मेरी सिस्टर भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा भाई बहुत छोटा है, 8th क्लास में है।
यहीं पर कल अफरा तफरी मची हुई थी और दुकानदार यहां से सामान निकाल रहे थे और अब देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारे दुकानदार ने घबरा करके डर के मारे यहां पर खाली कर दिया है ताकि उनके दुकान का सामान नष्ट न हो, बर्बाद न हो। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहां पर सन्नाटा छा गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने यहां पर स्टे लगा दिया है, 9 अगस्त तक स्टे लगाया है, लेकिन यहां पर लोग खुश नज़र नहीं आ रहे। आप एक बार देख सकते हैं कि कोर्ट ने अभी आज सुबह ही स्टे लगाया है और कहा है कि 9 अगस्त तक यहां पर किसी तरह की भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। देख सकते हैं यहां पर सभी लोग यहां से खाली करके जा चुके हैं, बस कुछ ही लोग बचे हुए हैं। आप एक बार तस्वीरों में देखिए किस तरह से लोगों ने यहां पर अपना घर खाली किया है, अपने घर के सारे सामान यहां से ले जा चुके हैं, यहां तक गेट और ग्रिल और दरवाजे वगैरह सब कुछ यहां से ले जा चुके हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ नाम है मेरा जी। यहाँ पर आप कब से रह रहे थे? मेरे को कम से कम मेरे फादर आए हुए थे 1972 से आए हुए थे मेरे पिताजी यहाँ। इन्होंने यहाँ अपनी शॉप बना रखी थी, मेरे पीछे जहाँ बैठा हुआ हूँ मैं। कहाँ से आए थे आपके पिता यहाँ? मेरे पिताजी प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले थे और हम भी दिल्ली में ही पैदा हुए हैं यहीं, और हमारे साथ इतनी नाइंसाफी, ना तो हमें जगह मिली ना ही हमारा रहने का ठिकाना, भी ख़त्म कर दिया यहाँ से बिल्कुल। कोर्ट ने फिलहाल 9 अगस्त के लिए तक स्टे लगाया है, तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? इस फैसले का क्या फैसला है, तो ज़बरदस्ती वाली बात है ना कि हमारे साथ में नाइंसाफी हो रही है। हमारे साथ में इतनी नाइंसाफी हुई कि हम एक दूसरे से अपना दुख भी, अभी इन्होंने लोग बागों ने हमने इतना पैसा लगाया अपने मकानों में बना के यहाँ पे, और एकदम ही हमें ऑर्डर मिल जाए तो हमारे दिल से क्या होगी, कहाँ ले जाएँ अपने बच्चों को बताऊँ क्या। कोर्ट ने 9 अगस्त के लिए तो स्टे लगा दिया है ना, तो इसमें स्टे लगाने का फ़ायदा क्या सर? पहले कोई कम से कम थोड़ा टाइम या हमें कुछ जगह वगैरह देते रहने के लिए। हमारे दिल से पूछे अब हम कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेके बताओ, अब हमारे पे रहने का जुगाड़ नहीं, काम का जरिया नहीं, कुछ नहीं, हम कहाँ हैं? हम तो खुद बच्चों को, छोटे बच्चों को जो स्कूल से आते हैं 9वीं 10वीं 8वीं 11वीं 12वीं तक के बच्चों को प्रैक्टिकल देते हैं, थोड़ा बहुत सिखाते हैं जो हमारे पास में आते हैं स्कूल से, लेकिन हमारे साथ में इतनी नाइंसाफी हो रही है, ना तो हमें कुछ मिला और ना ही कुछ गवर्नमेंट दे रही है, बस ये दे रही है आप खाली कर दो बस यहाँ से, नहीं तो आपको यहाँ पर काम भी नहीं करने देंगे और आपको यहाँ रहने भी नहीं देंगे बिल्कुल ही। आपका नाम क्या है? रविंदर राय। आप यहीं के रहने वाले हैं जी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम जो जार हो गई, हम लोगों को कुछ जगहों को मिलना चाहिए था, कुछ भी नहीं, कोई टाइम नहीं दिया, एकदम से तोड़ दिया। अब 9 तारीख का क्या मैटर है कि 9 तारीख के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा? यहाँ पर कितने लोग रहते थे? यहाँ तो कम से कम 2,500 आदमी होंगे। और कितने लोग अभी जा चुके होंगे? कम से कम 80 मकान के लोग जा चुके हैं, जो नीचे डोमिनेशन हुई है 80 मकान थे उनके, वो जा चुके हैं यहाँ से। अच्छा, बाकी ये देख रहे हो लोगों ने अपने आप ही तोड़ दिया है इनको। हाँ। जा रहे सब अपना तोड़ तार के, सब अपने अपने घर किराए पे जा रहे हैं। हाँ। कहीं ना कहीं रहने के लिए। तो अभी कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए स्टे लगाया, फिर भी चले गए? सर ये तो बाहर मार्केट से हमारा कोई लेन देन नहीं है, बाहर मार्केट का स्टे लगाया हमारा उससे। अच्छा, कोई ये बाहर मार्केट के लिए स्टे लगाया है और ये अंदर के लिए स्टे नहीं लगाया? कोई स्टे नहीं है, ये सिर्फ बाहर मार्केट के लिए है। हाँ जी। तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे? अब देखो जी, कहाँ कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, अब क्या करें? जब गवर्नमेंट तोड़ देगी तो यहाँ बैठने थोड़ी देगी, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, कहीं इंतजाम करेंगे अपना और क्या करेंगे। ज़्यादातर लोग यहीं पे रहते हैं, मार्केट में तो कुछ ही दुकानें हैं। सिर्फ दुकान है ऊपर, तो रेजिस्ट्रेशन है, कुछ मकान है बस ऊपर। हाँ। बाकी तो मार्केट है बाहर। हाँ। बाकी यहाँ तो सब रहते ही हैं। तो हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि कोर्ट के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। कोर्ट ने 9 अगस्त तक के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर स्टे लगाया है, तो लोगों का कहना है कि 9 अगस्त तक क्या होता है? यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, लोग मान कर चल रहे हैं कि यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, 9 अगस्त के लिए से क्या होगा? यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और 90% लोगों ने यहाँ से खाली कर दिया है और जहाँ तहाँ किराए पर घर लेकर के रहने लग गए और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि वो कैसे रूम का रेंट भरेंगे? यहाँ पर उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके अपना मकान बनाया था, अपना घर बनाया था और एकदम से केंद्र सरकार की एक एजेंसी के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि सरकार को इस तरह के जुल्म नहीं करना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।